आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष वैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को हरिहर का मिलन कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा निशित काल यानी मध्य रात्रि में होती है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से पारिवारिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था, इसीलिए यह दिन श्राद्ध तर्पण करने के लिए भी अति उत्तम है। आइए अब शुरू करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। एक बार भगवान विष्णु महादेव शिव शंकर का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प किया। अभिषेक करने के बाद जब विष्णु जी पूजा करने लगे तो शिव भगवान ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। 1 पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह सोचकर भगवान विष्णु अपनी 1 आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन का व्रत करके जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु जी को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही करोड़ों सूर्य की चमक के समान सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और कहा जाता है कि इसी दिन वैकुंठ के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेते हैं। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह मदिरापान और वैश्यागमन आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। वह रात दिन दुष्कर्म में लीन रहता था, इसलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन वह व्यापार के लिए घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। वहां की शोभा नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता तथा उनसे बातचीत करता था। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा कि कैसे व्रती ब्राह्मणों तथा गायों को भोजन करा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए
होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नाम के राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव भगवान के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर को पूरा एक मास बीत गया, तो एक दिन अचानक ही उसे एक काले सांप ने डस लिया, जिससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसीदल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी में ले गए। तब यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही प्रेत सेनापतियों ने धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में ले जाकर गरम तेल के कड़ाहे में डाला, तो वह कुंड शीतल हो गया। यह देखकर सभी यमदूत चकित रह गए और उन्होंने यह सारी घटना यमराज को बताई। उसी समय वहां नारद जी पहुंच गए और उन्होंने यमराज से कहा, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करते हैं, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेते हैं, और यह ब्राह्मण तो एक मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सब के पुण्य का भागी हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज ने अपने प्रेत सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्ष लोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यक्ष लोक का राजा बना दिया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुचर धन क्षय बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा कहने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह भव सागर से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जय और विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर पूजन करेंगे, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा पूर्ण हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।
यदि आपको वैकुंठ चतुर्दशी की तीनों कथाएं पसंद आई हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणा, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान। ओम नमः शिवाय।